सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि टाइमली अपना एक रूटीन बना लूँ जिसमें मैं व्लॉग्स अपलोड कर पाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा एक्चुअली, क्योंकि टाइम की भी ना बहुत शॉर्टेज है। इसकी वजह से मुझे ऑफिस का भी काम है वो भी करना होता है, बाकी सब चीज़ें मैनेज करनी है, तो अभी वो सब हो नहीं पा रहा। पर हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके चीज़ें मैनेज कर सकूँ और टाइम पे व्लॉग्स अपलोड कर पाऊँ। तो उसी को देखते हुए मैंने अपने ऑफिस के रूटीन से भी अब थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम रहना ही है, ऑफिस जाने की टेंशन नहीं है, तो जब तक तो घर पे तो व्लॉग ही कर सकते हैं। सो अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी मैं छत पे आया हूँ। देखो मौसम हो रहा है बहुत ज़बरदस्त, कल पूरे दिन बारिश होती रही एक्चुअली, तो उसी की वजह से मौसम एकदम खतरनाक हो रखा है। देखो ऊपर काले बादल। मुझे एक्चुअली दाढ़ी कटाने भी जाना था, बाल वाल ना बहुत गंदे हुए पड़े हैं, लेकिन मैं अभी बाइक कुछ ड्राइव नहीं कर पा रहा ना गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ, तो डिपेंडेंट होने की वजह से कहीं जा नहीं पाता। इसी वजह से थोड़े बहुत दिन का खेल और रह गया इसका, प्लास्टर का, फिर ये खुल जाएगा, फिर मैं इंडिपेंडेंट हो ही जाऊंगा, तब मैं थोड़ा ट्रैवल करने के लायक भी हो जाऊंगा, तो एटलीस्ट बाहर जाके ब्लॉग कर सकता हूँ। सो अभी नीचे चलता हूँ, नहाता हूँ, खाना वाना खाते हैं, देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। बारिश की वजह से सब जगह पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया यार, सारे मिट्टी फैल गई। हाँ जी, ओ कैसे भीगा ये सारा, भीग गया है तुम बूम बूम। ये प्लांट्स में पानी डालने के लिए है ये। तो अभी मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी किचन की साफ सफाई करके बैठ चुकी है अभी, और खाने में तो अभी क्या बनाओगे मम्मी? कुछ नहीं बनाती है, भूखा छोड़ दोगी? अच्छा चलो ठीक है, हम व्रत रख लेंगे। नहीं वैसे नाश्ता तो कर ही लिया अभी, अब कोई जरूरत नहीं है, आराम करो, अब भी पूरे दिन खाने बनाते रहोगे क्या? तो अभी मुझे नहाना है, अभी नहाते हैं पहले चल के। मम्मी नहलाएंगी मुझे, वैसे ही मुझे मम्मी नहलाएं आजकल, मैं तो आराम से बैठना स्टूल पे, मम्मी नहला देंगी। कई दिन से इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं जैकेट में हूँ। हाथ ठीक हो जाओ, रोज नहले करिए। पॉटी कर रहे हो आप? सुसु कर रहे हो? सुसु कर रहे हो? आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। ओके सुना दो के एकदम रेडी हो चुका हूँ अभी, और अभी चल के करना है मुझे ऑफिस का काम। एक्चुअली स्ट्रगल बहुत करनी पड़ रही है ऑफिस के काम में, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट हैंड से लैपटॉप चलाना है। सेम वही प्रॉब्लम एडिटिंग के टाइम भी हो रही है, जो काम 1-2 घंटे में हो पाता है वो 3-4 घंटे ले आता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट से माउस तो चल नहीं पाता। सो थोड़े दिन की बात और है, थोड़े दिन का स्ट्रगल और है, उसके बाद होपफुली नॉर्मल हो ही जाएगा। पूरे पिछले लास्ट 2 महीने मेरे 2 टी शर्ट पहनते हुए निकल गए ऑल्टरनेट, एक ये और एक इसी की वाइट वाली। मेरे सारी वीडियोस में यही 2 टी शर्ट्स हैं, क्योंकि इसी की जो बाजू है वही आ पाती है हाथ के अंदर, वो और कुछ आ नहीं पाता। मैं भी पहन पहन के इन्हें बहुत ज्यादा बोर हो गया। ऑफिस खत्म हो गया क्या आपका? क्या काम करा आपने आज? पकड़ो चलो चलो। अच्छा ये ऑफिस है आपका इतना सुंदर, इधर आके दिखाओ। सो गाइस, ये कुहू का ऑफिस है। जब हम सब लोग ऑफिस का काम करते हैं लैपटॉप पे बैठ के, तो ये भी साथ में अपना खोल के बैठ जाती है, ABCD सीखती है इस पे। ओहो हाँ, अच्छा सॉन्ग चल रहे हैं इसमें, चला के दिखाओ लैपटॉप अपना। ओहो ये तो बहुत अच्छा लैपटॉप है। हाय गाइस, हेलो, कैसे हो आप? कैसे हो? प्लीज लाइक माय वीडियो, दिस इज माय ब्लॉग चैनल, दिस इज द ब्लॉग चैनल, ये थैंक यू। अभी ऑफिस का काम खत्म करके मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ। सो अभी मेरे को एक्चुअली जाना है पापा जीजू और के साथ घर देखना है। हमारा घर भी एक्चुअली बहुत पुराना हो गया, तो हमारा भी प्लान है इसको चेंज करने का। सो हम देख रहे हैं कहीं या तो बना बनाया कोई अच्छा मिल जाए, या फिर नया ही बनवाना है। 1-2 डीलर से बात हुई थी, सो उसी के रिगार्डिंग अभी हम घर देखने जा रहे हैं कैसा लगता है। वैसे मम्मी का तो बिल्कुल मन नहीं है इस घर को छोड़ने का, क्योंकि बहुत ज्यादा अटैच्ड है हमारी इससे, ऑलमोस्ट 22-23 साल हो गए, सब अपना बचपन हमारा इसमें निकल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना हो गया और इस मकान की डायमेंशन भी थोड़ी ट्रायंगुलर सी है, तो इसलिए पापा और हमारा सबका यही डिसीजन निकला कि यार चेंज ही कर लेते हैं, दूसरा ही बनवा लेते हैं। तो काफ़ी दिनों से हम लोग ढूंढ भी रहे हैं कोई अच्छा घर मिल जाए, अभी चल के देखते हैं। बाय बाय ऑफिस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चारों तरफ लैपटॉप ही लैपटॉप, कंप्यूटर ही कंप्यूटर फैले रहते हैं रूम में, ऐसा लगता है कोई सट्टा बाजार हो जैसे। ये खड़ी अपनी मीटी और एकदम पैक होके, पापा तो रेडी हो चुके हैं चलने के लिए, दीदी और जीजू का और वेट कर रहे हैं, वो और आ जाएं और फिर चलते हैं अपना। सो गाइस ये है घर जो देखने आए हैं हम लोग, बाहर से तो ठीक ठाक लग रहा है देखने में, अभी अंदर जाके देखते हैं कैसी कंडीशन है इसकी। वैसे तो शांति है कॉलोनी में, लेकिन लेट्स सी कैसा बना हुआ है।
असल में अभी ऑफिस दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे भी पूरा मकान तैयार तो है नहीं, क्योंकि ये बिजली घर वालों को ऐसे कुछ कोई ऑफिस उन्होंने दे रखा है। सही में भाई, सही में जेब में 2 करोड़ हो, जेब में 2 करोड़ हो तो कैसा ही मकान पसंद आ जाएगा आज के टाइम में। सही में भाई, मकान लेना ना वो हो गया, क्या कह रहे हैं, कौन सा मुहावरा हो, अतिशयोक्ति, अरे नहीं अलंकार हो, अतिशयोक्ति दो भैंस के आगे भी नहीं ऊंट के मुंह से जीरा निकालना तुमसे ना हो पाएगा। मम्मी होटल आलीशान है आपके लिए, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। बस वहाँ खाट और ये प्लास्टिक की कुर्सी नहीं गिरने की, खाट और प्लास्टिक की कुर्सी नहीं गिरती वहाँ। सो अभी लंच स्किप हो गया था और पूरे दोपहर बाहर ही निकल गई मकान वकान देखने में। सो अभी पापा समोसे लेके आए हैं, हम समोसे वमोसे खाते हैं सब लोग बैठ के। तो शुभम भाई किसकी ठाके लेके आए हो आप ये बाइक? भाई ये कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी की तरफ से गिफ्ट है क्या आपको? कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है भाई साहब, न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक रीबॉर्न जी। अरे भाई इस पे तो पार्टी दो आप जी, जरूर पार्टी मिलेगी आपको। लेग गार्ड वगैरह भी क्या सब फिट करवा के लाए? भाई वाह। तो गाइस डिनर विनर हो चुका है, तो अब मैं जल्दी से आ गया अपने रूम में, मुझे थोड़ा काम भी करना है ऑफिस का और उसके बाद मुझे रात में बैठ के आराम से एडिटिंग करनी है। एक्चुअली क्या है ना कि दोनों चीजें मैनेज करना साथ साथ टफ तो है, बट चैलेंजेस लेना ही लाइफ का पार्ट है। लाइफ में कुछ अचीव करना है तो भाई टफ पाथ तो चुनने पड़ेंगे, बट कोई नहीं, टफ मत मानो, लाइफ को एंजॉय करते चलो और सब अच्छा हो जाएगा। सो अभी मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड। सो इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर एंड गुड बाय।